वाले हैं, कुछ अलग भी करने वाले हैं। इस बार सम्मान भी करेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे और लोगों का प्लेस है। एस्ट्रोलॉजर से हम कोई भी उसके पैसे नहीं लेंगे, कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजर के लिए विश्व की नंबर वन जगत गुरु, धर्म गुरु डॉक्टर HS रावत जी, देवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी भी ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। उसी तरह से भंडारी जी जुड़वा बच्चों का चार्ट कैसे देखा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपको पता होगा नक्षत्र 27, जी हाँ, एक संस्था है जो ज्योतिष पर काम करती है और इसे पाखंड से निकाल कर विज्ञान की ओर लेकर जाने पर काम करती है। पिछले साल आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, चंडीगढ़ में किया था, और उससे बहुत सारी भ्रांतियां समाज में ज्योतिष को लेकर जो फैली थी वो दूर हुई। अब फिर से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ही कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं, किस तरह से वो विभिन्न होने वाला है पिछले कार्यक्रम से, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं सूद जी के पास। रजनीश सूद जी हमारे साथ है, स्वागत है सूद जी। नमस्कार जी, ये कार्यक्रम हम चंडीगढ़ में कर रहे हैं 4 सितंबर 2022 को, रविवार का दिन रहेगा जी। होटल पार्क ग्रैंड सेक्टर 43 सेक्टर में। और इस कार्यक्रम जैसे हमने पिछला कार्यक्रम किया था, ये उससे भी बढ़िया होगा। पिछले कार्यक्रम का मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सम्मान समारोह था, जितने भी ज्योतिषाचार्य पूरे भारत से यहाँ पर पहुंचे थे उनको सम्मानित किया गया था। सूद जी, सम्मानित पिछली बार किया था, क्या इस बार सम्मान करने वाले हैं, कुछ अलग भी करने वाले हैं? इस बार सम्मान भी करेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे और लोगों का भला भी करेंगे। इसमें ये तीनों काम करेंगे, और वो भी फ्री में। वो भी फ्री में। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम जोश ऐप का और आभार व्यक्त करते हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे भी वो लोग आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हम पब्लिक के लिए पब्लिक कंसल्टेशन फ्री कर रहे हैं जी, जी, जी। उसके लिए हम जो कंसल्टेशन प्लेस है, एस्ट्रोलॉजर से हम कोई भी उसके पैसे नहीं लेंगे, कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी वो फ्री है जी, जी। दूसरे हॉल में होटल के हमारा सेमिनार चलेगा, जिसमें देश से ज्योतिष जगत की महान विभूतियाँ, अगर मैं कहूँ विश्व की नंबर वन जी, जगत गुरु धर्म गुरु डॉक्टर HS रावत जी, देवज्ञ आचार्य अनिल वत्स जी, रविंद्र भंडारी जी, PPS राणा जी, राम कृष्ण गोयल जी, ये कुछ नाम हैं उसमें। ज्योतिष की दुनिया के बड़े बड़े सितारे उस 4 सितंबर को आने वाले हैं, आएंगे, और ये सभी ज्ञान के ज्योतिषीय ज्ञान की बात करेंगे जी। पिछले कार्यक्रम में क्या हुआ था, पिछले कार्यक्रम में हमने उद्देश्य रखा था ज्योतिष के भविष्य को, ज्योतिष में जुड़े हुए युवाओं को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना, वो हमने किया जी। इस सम्मेलन में वो तो करेंगे ही, इसमें ज्ञान को भी एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, क्योंकि उस भविष्य को ज्ञान देना, रास्ता दिखाना भी जरूरी है जी। इसमें जैसे डॉक्टर HS रावत जी आ रहे हैं, वो धन पे बात करेंगे, धन भावों पे बात करेंगे, धन योगों पे बात करेंगे, धन की कमी है कैसे दूर किया जाए जी। वत्स जी बात करेंगे विवाह के ऊपर, विवाहित संबंधों को किस प्रकार से ठीक किया जाए। रामकृष्ण गोयल जी वक्री रेट्रोग्रेशन के ऊपर, वक्री ग्रहों के ऊपर बात करेंगे जी। उसी तरह से भंडारी जी जुड़वा बच्चों का चार्ट कैसे देखा जाए, जुड़वा बच्चों की भविष्यवाणी कैसे की जाए। अब देखेंगे किसी घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक तो उसमें प्रधानमंत्री बन जाता है, दूसरे के पास रोजगार भी नहीं होता, क्या कारण है उसका जी। तो उस सूजी वही मैं जानना चाह रहा था, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि जिसको भी धन की परेशानी है, कारोबार में परेशानी है, ग्रहों की दशा खराब है, तो वो सीधे आपके सम्मेलन में, आपके कार्यक्रम में आ सकता है, और वो भी मुफ्त में वहाँ पर सुविधा पा सकता है। बिल्कुल मुफ्त सुविधा है जी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जी। ना हम लेंगे, ना वहाँ बैठे हुए ज्योतिषाचार्य पैसे लेंगे। लेकिन एक सवाल रहता है कि जब आप दक्षिणा नहीं देते हैं लेकिन हाथ की रेखाएं दिखाते हैं या अपना भविष्य दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही से जो पंडित है, ज्योतिषाचार्य है, वो सही से नहीं देखते, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आपके जब कार्यक्रम में, आपके जो इवेंट में पहुंचेंगे और बिना पैसे लिए जब वो अपना भविष्य दिखाएंगे, वो सही होगा, सटीक होगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक ये सबके मन में दुविधा होगी कि जब वो फ्री मिल रहा है तो क्या वो अच्छा होगा, क्या वो उपयोगी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। हम हर ज्योतिषाचार्य की एक रिमार्क बुक रखेंगे जी। जो लोग उनसे कंसल्टेशन ले रहे हैं वो अपने रिमार्क्स उस रिमार्क बुक में डालेंगे,
उसके अनुसार शाम को 4:30 बजे वहाँ बैठे हुए 5 ज्योतिषाचार्यों को हम साल के बेस्ट स्टार एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से सम्मानित करेंगे और वो उनको दिया जाएगा जो अच्छे से आने वाले लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनको हल बताएंगे, लोगों के रिमार्क्स पे आधारित, जो लोगों का अनुभव उन ज्योतिषियों के बारे में है उस पे आधारित होगा वो। इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे जो लोगों को मिलेगा वो बेस्ट होगा। जी, क्योंकि दर्शकों को भी मैं बता दूं कि 10,000 लोगों का भविष्य देखने का लक्ष्य नक्षत्र 27 ने रखा है। जी हाँ, मैं बता दूं नक्षत्र 27 पहले भी सेवा करता रहा है, ज्योतिष की भी वो सेवा करता है, आमजन की, लोगों की भी सेवा करता है। 10,000 का आंकड़ा आपने रखा है, 10,000 लोग वहाँ पर पहुँचे, उनका भविष्य देखेंगे। हमने इतनी व्यवस्था की हुई है जी। हमारी इतनी व्यवस्था है, अगर इतने लोग आएंगे तो अभी तक तो हमें ये पूछा जा रहा है कि आप इतने लोगों को संभालेंगे कैसे। होटल की सिक्योरिटी के अलावा वहाँ हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी होगी, इसके अलावा व्यवस्था ऐसी करेंगे कि किसी को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लोग वहाँ हमारे से अपॉइंटमेंट लेके आएं और हम ये आपको वचन देते हैं कि किसी भी पूछने वाले को इससे ऐसा नहीं होगा कि उसको अपॉइंटमेंट ना मिले, अपॉइंटमेंट उसको दी जाएगी। देखिए दर्शकों को मैं बता दूं कि 4 सितंबर को कंचन टीवी भी उस इवेंट का साक्षी बनेगा। हम वहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ज्योतिष है आम जनमानस को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्योतिष सिर्फ एक पाखंड है। उसी को दूर करने के लिए नक्षत्र 27 लगा हुआ है, रजनीश सूद जी लगे हैं, मैडम अग्रवाल लगी हैं, वो लगातार इसी काम में लगे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि इवेंट फिर से वो लेकर आए हैं। अब चाहूँगा चलते चलते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है और जब आप एक अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं तो आपका मार्गदर्शन होता है, लेकिन जैसे ही आप किसी बुरे ज्योतिषी से मिलते हैं जिसे पहचानना आपका काम है, आपका भटकाव होता है। तो भटकाव से बचें, अच्छे ज्योतिषियों से मिलें, हमें संपर्क करें। ये कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो रजनीश सूद जी हैं, कहते हैं कि ज्योतिष से सेवा करने के लिए उन्होंने संस्था बनाई थी, खुद PhD हैं, मैडम अग्रवाल भी PhD हैं और वो नक्षत्र 27 के जरिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब जब 4 सितंबर को वो कार्यक्रम होगा वहाँ से आपको दिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे और 10,000 लोगों की व्यवस्था है। तो ये वीडियो जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते हैं इसको वायरल कीजिए। अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके बच्चों में कोई परेशानी है, शिक्षा से लेके, कारोबार से लेके, धन से लेके समस्या है, तो अलग अलग कैटेगरी के वहाँ पर ज्योतिषाचार्य आने वाले हैं, आपके जीवन को बदलने वाले हैं। 4 सितंबर का दिन याद रखिए, मेगा एस्ट्रोलॉजी कैंप है, फ्री कैंप है, आप आ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सीधा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं तो आपका भी स्वागत है, आप इस कार्यक्रम में आइए, नक्षत्र 27 से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए, यशपाल कंचन।